दो दिन पहले बक्सर नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित एक घर से अपहृत 1.5 वर्ष के मासूम बच्चे को बक्सर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताते चले कि अपहरणकर्ता ने 1.5 वर्ष के बच्चे की अपहरण करने के बाद परिजनों से 75 लाख रुपये फिरौती की मांग की थी। परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरणकर्ता द्वारा अलग अलग शहरों के नाम लेकर फिरौती की मांग की जा रही थी। फिरौती नहीं देने पर अपहरणकर्ता ने बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दी थी। परिजनों ने इस बाबत नगर थाना बक्सर में बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद बक्सर SP के द्वारा DSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मैनुअल और टेक्निकल आधार पर मामले का अनुसंधान कर बच्चे को आरा से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 3 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। बच्चे की सकुशल बरामदगी होने के बाद बच्चे के परिजनों ने बक्सर पुलिस को धन्यवाद दिया है। प्रशासन के पुलिस दरोगा के साथ में हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बाबू हमारा भिरी आ गोलन 209 ले बनी हमारे बच्चा हमारा वापस हो गोलन ना तो हमारे बच्चा ना मिलता। गौरतलब है कि 1.5 वर्षीय शिवम के अपहरण की बात सामने आने के बाद इलाके में पूरी तरह से सनसनी फैल गई थी, लिहाजा पुलिस ने गोपनीयता पूर्वक मामले का अनुसंधान कर बच्चे को न केवल सकुशल बरामद किया बल्कि अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि अपहरणकर्ता ने सुनियोजित तरीके से साजिश कर बच्चे का अपहरण किया। अपहरणकर्ताओं ने पूछताछ में बताया कि पहले अपहरणकर्ता बच्चे के घर में किराएदार के रूप में रहने लगे, फिर मौका देखकर बच्चे का अपहरण कर लिया। जो हम लोगों के द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि ये लगभग 1 महीना पहले से ही इस पर काम कर रहे थे और एकदम सुनियोजित ढंग से एक व्यक्ति को जो बच्चे के पिताजी हैं उनके घर में भेजा गया था एक रेंटर के तौर पर, और ताकि वहाँ के लोगों का विश्वास जीत सके और बच्चे के साथ आराम से निकल सके। पुलिस ने गिरफ्तार अपहरणकर्ता के पास से मोटरसाइकिल के अलावे फिरौती की रकम मांगे जाने के लिए इस्तेमाल की गई मोबाइल और सिम कार्ड को भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक जिन अपहरणकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है उनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए अपराध कर्मियों की कुंडली खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज बक्सर।